छात्रों को वीडियो के माध्यम से परीक्षा के बारे में आश्वासन देने के बावजूद परीक्षा के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसीलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नागपुर महानगर ने विश्वविद्यालय से 2 दिनों में ऑफलाइन परीक्षा के टाइम टेबल की घोषणा करने की मांग की है। वर्तमान में नागपुर विश्वविद्यालय के छात्र विश्वविद्यालय की निराशाजनक भूमिका से काफ़ी परेशान है। कुछ दिन पहले उन्होंने वीडियो के जरिए छात्रों से संपर्क किया और उन्हें परीक्षा का आश्वासन दिया और उसके बाद से अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। अन्य विश्वविद्यालयों ने अपने परीक्षा टाइम टेबल की घोषणा कर दी है, लेकिन नागपुर विश्वविद्यालय अभी भी असमंजस की स्थिति में है। इसलिए अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नागपुर महानगर ने मांग की है कि विश्वविद्यालय 2 दिनों के भीतर ऑफलाइन परीक्षा के कार्यक्रम की घोषणा कर अपनी संवेदनशीलता दिखाए, साथ ही परीक्षा के बाद शीघ्र परिणाम की व्यवस्था की जाए, अन्यथा विश्वविद्यालय को छात्रों के कोप का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान ऐसी चेतावनी दी गई थी। नागपुर विद्यापीठाने अजूनपर्यंत वेळापत्रक हे जाहीर केलेलं नाहीये। 6 मे रोजी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या काही शिष्टमंडळांनी कुलगुरूंना निवेदन दिले होते। त्या निवेदनामध्ये आश्वस्त कुलगुरूंनी असे केले होते की 11 मेच्या मीटिंगमध्ये आम्ही लवकरात लवकर उन्हाळी परीक्षेचे वेळापत्रक काढू, पण अजूनपर्यंत आजची 17 मे आहे, 10 दिवस लोटले आहे आणि कुलगुरूंनी अजूनपर्यंत मोड ऑफ एक्झामिनेशन आणि विद्यापीठाच्या परीक्षेचे वेळापत्रक काढलेले नाही आहे। जर याच्यामध्ये आपण फायनल इयरच्या विद्यार्थ्यांची गोष्ट केली तर ते पुढे प्लेसमेंट्स त्यांना काही विद्यार्थ्यांना झालेले आहे आणि उच्च शिक्षणासाठी त्यांना बाहेर जायचे आहे। आतापर्यंत वेळापत्रक नाही केलेले आहे। वेळापत्रक झाल्यावर मोड ऑफ एक्झामिनेशन नंतर एक्झाम कधी होतील आणि त्याचा रिझल्ट कधी लागतील, कुलगुरू सरांनी त्याच्याबद्दल काहीच आश्वासन असे दिलेले नाही आहे। विद्यार्थी हे खूप मोठ्या संभ्रमातून जात आहे। जर 2 दिवसात वेळापत्रक जाहीर झाले नाही तर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हे एक खूप मोठे आंदोलन करते आणि विद्यापीठाला या आंदोलनाला सामोर जावे लागेल। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट।